का प्रावधान करना पड़ेगा और फॉर्म भरते समय स्थानीय प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या अनिवार्य भरना होगा और यहाँ के एक स्पेशल पेपर देना होगा जिसमें यहाँ की रीति रिवाज परंपरा भाषा संस्कृति जानने की अनिवार्यता हो और यहाँ बार बार क्वेश्चन लीक का मामला आता है, इसलिए नकल विरोधी कानून उत्तराखंड के तर्ज पे लाना होगा। ये जो बाहरी का जो इस झारखंड राज्य में सबसे बड़ा जो नियुक्ति जो रिक्त पद पड़ी हुई है 3 से 4.5 लाख, इसका पूरा बाहरी को बेच करके यहाँ की सरकारी तंत्र को बाहरी के मुठ्ठों पे गुलाम बनाने का साजिश रचा जा रहा है, ये झारखंडी कतई स्वीकार नहीं करेगी। क्या बोला कल आप लोग ने काफी आंदोलन किया, क्या सीएम के कानों तक आवाज पहुंची आप लोग की? कान नींद खत्म हो गया, उसको नींद नहीं आ रहा है, सीएम साहब को बौखला गया, बात कर लिया और बोल दिया कि आप लोग को हैंड ओवर किया जाता है ये खेलगांव थाना में, और खेलगांव थाना में हमें बहुत गंदा गंदा गाली से बर्ताव किया गया, भूलेंगे नहीं इस सरकार को, और 2 बजे बॉन्ड भराया दिया जाता है। तो हम कह देते सरकार को, आज का छात्र कल के अधिकारी है, आज के छात्र कल के आईएएस आईपीएस है, आज के छात्र कल के मंत्री है, एक एक चीज का हिसाब होगा। और साफ साफ कह देते हैं कि अगर छात्र जिस धैर्यता से कल थे, एक फुटेज दिखा दीजिए कहीं अगर छात्र कल उपद्रवी में थे तो, और बदले में यहाँ के पुलिस जो लॉ एंड ऑर्डर का बात करता है, जो सिस्टम को व्यवस्था को सुधारने का बात करता है, यह लोग आतंकवादी जैसा व्यवहार करते हैं, गुंडागर्दी जैसा व्यवहार करते हैं, जिसका कल देखने को मिला। और हम कह दे रहे हैं एक एक छात्र पे जो लाठी पड़ा है, जो खून बहा है, यह हमारा आंदोलन को और मजबूत करेगा और यह सरकार को। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।